नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खगेश जी, आज मैं क्लास नहीं ले पाई थी, कल शाम को 6 बजे फिर से लाइव क्लास होगी। यशोदा नंदन जी, साहित्य संचार जी, रंजना जी, सुनीता जी, अजय जी, उपदीप जी, श्रीम जी, आनंदिता जी, दीपाली यादव जी, अनु पांडे जी, संतोष जी, दिलखुश जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए। टाइम मिलते ही मैं कमेंट्स का जवाब भी ज़रूर देती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। कल शाम 6 बजे का टाइम याद रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल हमने पढ़ा था वल्लभाचार्य जी के बारे में। हमने ये देखा था कि जिस तरह से तुलसीदास जी मतलब समग्र रूपों को एक साथ लेके समन्वय की भावना से चले थे, लेकिन वल्लभाचार्य जी ने श्रद्धा की अपेक्षा प्रेम को भक्ति में ज्यादा महत्व दिया था, है ना। अब बात करते हैं सूरदास जी की। सूरदास जी का व्रत 84 वैष्णवों की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गऊ घाट आगरे तथा मथुरा के बीच में जो जगह है पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और भजन किया करते थे। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर उतरे, तब सूरदास जी उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया, है ना। वल्लभाचार्य जी एक बार वहां पर पहुंचे जहां सूरदास जी रहा करते थे एक स्वामी या साधु के रूप में, तो वहां पे सूरदास जी ने उन्हें एक पद गा के सुनाया, जैसे वल्लभाचार्य जी ने उनको अपना शिष्य बना लिया और उनसे क्या कहा, अपना भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। मतलब जो भागवत की कथाएं, अगर उनको गाने योग्य कर दिया जाएगा तो ऐसे पदों में उनको करने का आदेश दिया। उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर के में कीर्तन की सेवा सौंपी। इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था, पूछा जाता है, ठीक है। श्रीनाथ जी का मंदिर पूरनमल खत्री ने बनवाया था जो 1576 में पूरा बनकर खड़ा हुआ था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पश्चात अर्थात संवत 1586 में वल्लभाचार्य की मृत्यु हुई थी, ठीक है। मंदिर बनने के 11 वर्षों के बाद वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हुई थी और मंदिर बना था 1576 में, ठीक। 1576 में मंदिर पूरा बना था और 1587 11 वर्ष था ना वल्लभाचार्य जी की, 11 वर्षों के बाद में मृत्यु हो गई थी। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी भी वल्लभ संप्रदाय में आए। ये 84 वैष्णवों की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट होता है। मतलब ये जो वृत्तांत दिया है ये 84 वैष्णवों की वार्ता के आधार पर दिया हुआ है। औरंग पद गाए तब श्री महाप्रभु अपने मन में विचारे जो श्रीनाथ जी के यहाँ, और तब सेवा को मंडन भयो है पर कीर्तन को मंडन नाही कियो है, ताते अब सूरदास को दीजिए, ठीक है। ये 84 वैष्णवों की वार्ता के आधार पर ही जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको जो जानकारी दी गई है, ये अभी उसी पुस्तक के आधार पर दी गई है। संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे। ये यहाँ पर अंदाज से बता रहे हैं कि लगभग 1580 के आसपास, 76 में मंदिर बना है, 80 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए होंगे, ठीक है। और शिष्य होने के कुछ ही पीछे यानी कुछ दिनों बाद ही उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत के पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सूर सारावली में मौजूद है। तुलसीदास के प्रसंग में हम ये कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को
ईष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक पहुंचने की भावना करते हैं। ये शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के प्रसंग में भी बात कही थी। तुलसीदास जी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया है, परंतु सूरदास जी ने स्पष्ट रूप में पहुंचाया है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास जी ने अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया था राम दरबार में, राम जी प्रभु राम के पास, लेकिन सूरदास जी ने बिल्कुल साक्षात या स्पष्ट रूप में स्वयं को उनके सामने पहुंचाया। कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे थे। उसी बीच एक ढाड़ी आकर कहता है, ये पद पहले भी आ चुका है, नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन ते आयो, तुम्हरो पुत्र भयो मैं सुनिके अति आतुर उठिधायो। जब तुम मदन मोहन करिटेरो, ये सुनिके घर जाऊं, हो तो तेरी घर को ढाड़ी सूरदास मेरो नाऊं। यहाँ पे उन्होंने अपने नाम का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। वल्लभाचार्य जी के पुत्र गोसाई विठ्ठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी पर के पारसौली ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हुई थी, इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है। मतलब 84 वैष्णवन की वार्ता से ही ये पता चलता है कि जो वल्लभाचार्य जी तो 11 वर्ष पश्चात मर गए थे। मंदिर बना 1576 में, 1587 में वल्लभाचार्य जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके जो पुत्र थे गोसाई विठ्ठलनाथ, ऐसा इस प्रसंग में आया है कि उन्हीं के सामने गोवर्धन के पर्वत की जो तलहटी के एक पारसौली ग्राम में सूरदास जी की मृत्यु हुई। गोसाई विठ्ठलदास की मृत्यु 1642 में हुई, ठीक है। इसके कितने पहले सूरदास का परलोकवास हुआ ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखी है उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष कही है। गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 वर्ष प्रवीण, तो उन्होंने स्वयं को इसमें 67 वर्ष का बताया है। तात्पर्य यह है कि 67 वर्ष के पहले वे सूर सागर समाप्त कर चुके थे, यानी लिख चुके थे, पूर्ण कर चुके थे। सूर सागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने सारावली लिखी होगी, सूर सारावली, और एक ग्रंथ सूरदास जी का साहित्य लहरी है, जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। इसका रचना काल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है, मुनि सुनि रसन के रस लेख, दर्शन गौरी नंदन को लिख सुबल संवत पेक। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई थी। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूर सागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले सूर सारावली की रचना हुई थी, तो यह कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। यदि उनकी आयु 80 या 82 वर्ष की माने तो उनका जन्मकाल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्युकाल संवत 1620 के आसपास होना ही अनुमानित होता है, है ना। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूरदास जी अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। मतलब साहित्य लहरी में उन्होंने अपने आप को चंद्रवरदाई का वंशज बताया है। चंद कवि के कुल में हरिचंद हुए, जिन्हें 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। मतलब चंद्रवरदाई के ही कुल में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के 7 बेटे थे और उनमें सबसे छोटे थे सूरजदास या सूरदास। शेष छह भाई मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए। तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे।
सातवें दिन भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण में प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया है उनसे अब कुछ और देखूं, उनसे अब कुछ और ना देखूं और सदा सब आपका भजन करूं। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। वहां गोसाई जी ने उन्हें अष्ट छाप में लिया। हमारा अनुमान है कि साहित्य लहरी के में यह पद पीछे किसी भाट द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति है, प्रबल दक्षिण विप्र कुलते शत्रु हुई है नाश। इसे सूरदास के बहुत पीछे की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिण विप्र कुल से साफ पेशवाओं की ओर संकेत है। इसे खींचकर आध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। सारांश ये है कि हमें सूरदास जी का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैष्णवों की वार्ता से मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। ये वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य के पौत्र गोकुलनाथ की कही जाती है पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत भरा बुरा कहा गया है और गालियां तक दी गई हैं। ये 84 वैष्णवों की वार्ता में मीराबाई को वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के लिए बड़ा भला बुरा भी कहा गया, यहाँ तक कि गालियां भी दी गई हैं। रंग ढंग से ये वार्ता गोकुलनाथ के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। 84 वैष्णवों की वार्ता हम लोग गोकुलदास पढ़ते हैं लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि ये वास्तव में उनकी नहीं थी। उसके दो कारण थे, एक तो इसमें गोकुलनाथ की स्वयं की गई बातें जो थी उनको बहुत आदर और सम्मान सूचक शब्दों के साथ कहा गया है, कोई अपने लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। दूसरी चीज़ जिस तरह से मीराबाई जी को भला बुरा कहा गया है और रंग ढंग जो उसका देखने पर ये वार्ता गोकुलनाथ के बाद में उनके किसी गुजराती शिष्य द्वारा लिखी हुई जान पड़ती है। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल एक ही छप्पे मिलता है। भक्तमाल में सूरदास जी के लिए सिर्फ एक छप्पे मिलता है और बहुत पूछा जाता है, है ना। उक्त चोज अनुप्रास बनन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म करम गुण रूप सबे रसना पर काशी, विमल बुद्धि गुण और की जो यह गुण श्रवणन धरे, सूर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ठीक है, सिर्फ एक ही छप्पे है जो सूरदास जी के बारे में इसमें दिया है। इस छप्पे में सूर के अंधे होने भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आ रहा है। जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक व्रत ना पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहां कहीं सूरदास नाम मिला है वही व्रत प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयास किया है या प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों के मिले हैं, मतलब उनका ज़्यादा सही प्रमाणित सूरदास जी के बारे में नहीं पता चला है। अब क्योंकि कोई प्रमाणिक व्रत मिला नहीं है तो कुछ लोगों ने इधर उधर किसी भी सूरदास जी का नाम इनके साथ छोड़ने का प्रयास किया है। शुक्ल जी ने उसके नीचे दो उदाहरण भी दिए हैं। पहला है आईने अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर गवैये बीनकारों आदि कलावंतों की जो फहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों का नाम दर्ज है। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि जब सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी तब प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 पर गड्डी पर बैठा था, हमारे सूरदास जी संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए थे
और उनके उसके पहले से ही वो एक विरक्त साधु थे, बताए अभी बताया गया है। मतलब 1580 के आसपास ही वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए थे और उसके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गौ घाट पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुंचे, मतलब अतः आईने अकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास ही एक सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते हैं। मतलब 84 वैष्णवों की वार्ता में जो सूरदास जी के बारे में दिया है तो उन्होंने ये बताया है कि सूरदास जी पहले एक विरक्त साधु थे, वल्लभाचार्य से मिलने के बाद वो श्री कृष्ण का श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री कृष्ण का कीर्तन करने लगे। तो इस हिसाब से जो अगर आईने अकबरी की बात करें तो संवत 1613 में वो अकबर के नौकरी करने कैसे पहुंच सकते हैं, अतः जो आईने अकबरी के सूरदास जी हैं वो बिल्कुल भी हमारे कृष्ण भक्त कवि सूरदास नहीं हो सकते। अगर दूसरे उदाहरण की बात की जाए, मुंशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह, ठीक है, जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास का नाम अबुल फजल बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस की कराड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद मिलने के लिए इस तरह से बुलाए गए हैं। मतलब अबुल फजल ने अबुल फजल के पास में उनका शिकायती पत्र आया था, जो बनारसी दास बनारस के सूरदास जी थे, तो उनको बादशाह से मिलने के लिए इलाहाबाद में बुलाया गया। किन शब्दों में उस पत्र में बुलाया गया है ये नीचे दिया हुआ है। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे, उम्मीद है कि आप भी सर्फ मुलाजमात से मुसर्रफ होकर मुरीद हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक शिनास जानकर दोस्त रखते हैं। ये फारसी का अनुवाद है इसका, ठीक है, इन सब ये फारसी का अनुवाद करके यहाँ दिया गया है। इन शब्दों में से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था, ठीक है। अबुल फजल को ऐसा उम्मीद था कि वो अकबर के दीन इलाही धर्म में दीक्षित हो सकते हैं। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का दो बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 में और फिर संवत 1661 में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो उस समय हमारे सूर का गोकुलवास हो चुका था, ठीक है। हमारे जो सूरदास जी थे कृष्ण भक्त सूरदास जी, उस समय वो गोकुलवास हो चुका था, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यदि उन्हें तब तक जीवित माने, मान लीजिए अगर उनको उस समय तक जीवित भी मान लें तो वे 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झलमेलों में पढ़ने क्यों जाएंगे, या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी, ये भी बात सोचने की है। तो ये सारी चीज़ें प्रक्षिप्त हैं, बाद में लोगों ने अपने मन से जोड़ी। श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठल दास जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि मार्गी कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठल नाथ जी ने उसमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप के 8 कवि हैं, सूरदास जी, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुदास और नंददास। ये नाम तो सभी को रटे होंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो भी हिंदी से पढ़ाई कर रहा होगा उसको ये 8 नाम अष्टछाप तो रटे ही होंगे। कृष्ण भक्ति परंपरा में कृष्ण श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं
कि जो कृष्ण भक्ति थी, कृष्ण भक्ति में प्रेममय मूर्ति को लेकर ही प्रेम तत्व के ही बड़े विस्तार के साथ पूरी साहित्य में भी व्यंजना की गई है। सांसारिक पक्ष को उसमें बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है, बिल्कुल समावेश उसमें नहीं किया गया है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेम प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारिका के कृष्ण नहीं हैं। कृष्ण भक्तों ने कृष्ण जी के गोकुल के रूप का ही वर्णन किया है, मतलब द्वारिका के द्वारिकाधीश कृष्ण का वर्णन उन्होंने नहीं किया है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं, वे हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य समुद्र है। उस सर्व सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसी के समान लोक संग्रह की भावना इनमें ना थी, मतलब जो कृष्ण भक्त थे वो अपने में ही मस्त रहते थे। उनको उन्होंने जो भी रचनाएं की वो कहीं ना कहीं अपने भक्ति और अपने सुख के लिए की, और तुलसीदास जी ने पूरे लोक को उपदेश देने के लिए, लोक को एक सही, पूरे संसार को एक सही राह दिखाने के लिए की थी। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की व्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उस लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इनकी, इसकी ओर इनका ध्यान, इसकी ओर इन्होंने ध्यान ना दिया। इन्होंने जब भक्ति के लिए अपने पदों की रचना की तो ये पूरी तरह श्रृंगारमयी थी, पूरी तरह से मतलब प्रेम में डूबी हुई थी। इसमें ये इतने मतलब अपनी भक्ति में तो ये पूरी तरह से रसोन्मत्त थे, और वही इन्होंने जनता के सामने भी रखा और जनता को भी भाव विभोर कर दिया। लेकिन उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं किया, वो अपने में मस्त रहने वाले इस प्रकार के जीव थे या इस प्रकार के संत थे कि उनका विचार इस तक भी नहीं गया कि जो वासनापूर्ण जीव इस संसार में मौजूद हैं वो इसका कैसा प्रयोग करेंगे या उन पे इस चीज़ का कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो बाद में आपके ईश्वर को किस तरह से लेके जा सकते हैं, ये बात वो लोग नहीं सोच पाए। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्माद कारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया है ना। इसीलिए शुक्ल जी ने पहले ही कहा कि यदि भक्ति में श्रद्धा ना हो, सिर्फ प्रेम हो, तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर विकृत हो जाएगी। माना कि जो कृष्ण भक्ति के जो कृष्ण भक्त थे उनकी बड़ी सच्चा प्रेम था, वो जो भी वर्णन करते थे भक्ति में प्रेम में एकदम डूब के करते थे, लेकिन आगे चल के जो वासनापूर्ण जीव थे या इस तरह के जो लोग थे, जो श्रृंगारी कवि थे, उन्होंने बड़ी उन्माद कारिणी उक्तियों से उन्हीं राधा कृष्ण के बारे में कह के हिंदी काव्य को भर दिया। कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध के क्षेत्र में नहीं। ये पहले भी चर्चा की शुक्ल जी ने कि जो कृष्ण थे उनके बारे में कोई प्रबंध क्षेत्र में उनका क्यों नहीं पदार्पण हो सका, उनके बारे में प्रबंध काव्य नहीं लिखे जा सके। इसका कारण यही था कि उस समय के कवियों ने उनका एक ही पक्ष पे लेकर चले है ना, उनके जीवन को लेके नहीं चले, उनके पूरे जीवन से शिक्षा ग्रहण करने की नहीं उन्होंने कोशिश की, सिर्फ उनके प्रेम को राधा कृष्ण मतलब जो ब्रज में लीला उन्होंने की वही लेकर वो आगे चले। इसीलिए प्रबंध क्षेत्र में
कृष्ण जी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखा जा सका उस समय तक। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत ही साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार ना हो सका। कारण स्पष्ट है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त ना था। उसमें जीवन की वह अनेक रूपता ना थी जो एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। आगे चल के यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि कृष्ण भक्त कवियों ने प्रबंध काव्य क्यों नहीं किया, मुक्तक के रूप में ही उनकी रचनाएं क्यों प्राप्त होती हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल सही इसका उत्तर मिल सकता है। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भी अंश लेकर वो चले और जिसका भी उन्होंने वर्णन किया है, श्रृंगार का, उनके बाल रूप का, वात्सल्य और श्रृंगार रस को उन्होंने अपनी पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। पहले कहा गया है कि श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भगवत की कथा को पदों में गाया। इनसे सूर सागर में वास्तव में भागवत के दसम स्कंद की कथा का संक्षेपता इतिव्रत के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। आपको याद है जब वल्लभाचार्य जी मिले उनको वहाँ पे गौ घाट पे, तो उन्होंने कहा था कि आप भागवत की कथा को पदों में, गाने योग्य पदों में करो, तो वो इन्होंने किया सूरदास जी ने। तो वही बताया जा रहा है कि सूर सागर में वास्तव में भागवत के दसम स्कंद की कथा संक्षेप में है और चरित्र इतिवृत्त के रूप में है, पद थोड़े हैं और बहुत बड़ा चढ़ाकर भगवत की दसम स्कंद की कथा का वर्णन किया है। तो यदि कभी आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि सूर सागर का जो रचना थी वो सूरदास जी ने किसके कहने पे की थी, तो अभी आपको उत्तर मिल गया होगा, वल्लभाचार्य जी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीला के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की छड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी इतने सुडौल और परमार्जित हैं। यहाँ पे दो जानकारी हमको मिल रही हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रज की चलती हुई भाषा की सबसे पहली रचना यही है, और पहली रचना होने पर भी ये अत्यंत सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन सी जान पड़ती हैं। ये तो आप समझ रहे होंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्ति है। अभी आपको ये पंक्ति पूरी तरह से समझ आ गई होगी कि किस रचना के बारे में कही गई है और किसके बारे में कही गई है। बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली पंक्ति है ये, ठीक है। यह रचना किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सूर सागर। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे जितने भी कवि हुए उन्होंने श्रृंगार और वात्सल्य की जो भी रचनाएं की वो सब सूरदास जी की जूठन सी जान पड़ती हैं। अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है कि ये तो पूछा गया है किस कवि के बारे में कहा गया है, लेकिन शायद ये अभी तक बहुत नहीं पूछा गया है कि किस ग्रंथ के बारे में बात हुई है।
तो आज आपको ये भी पता चल गया, अगर पूछा जाएगा तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। अतः सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो पर पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। ये बात भी यहाँ ध्यान देने वाली है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि सूरसागर किसी गीत काव्य परंपरा का ही विकास है, भले ही वो लिखित रूप में ना हो, मौखिक रूप में ही हो। ठीक है, अब आगे की बात हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। सूरदास जी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जान ली हैं, उनके जन्म के बारे में कहाँ कहाँ से मतलब ये हमको मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा वृत्तांत तो उनका उपलब्ध नहीं है। 84 वैष्णवों की वार्ता मात्र से और उनकी लिखी गई रचनाओं में दिए गए सनों के आधार पर ही उनके जीवन का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे उनकी भाषा के बारे में बात हमने पढ़ा, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में सूरदास जी की बात करेंगे। आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 6 बजे लाइव क्लास में ज़रूर आइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स प्लीज़ देते रहिए, मुझे इंतज़ार रहता है। चलिए कल के वीडियो में मिलते हैं।